दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप विधायकों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया, जहां कई विधायकों को हिरासत में ले लिया गया। इसमें आप नेता मानतुल्ला खान का नाम भी शामिल है। दरअसल ये सभी आप विधायक संगम विहार वाली घटना को लेकर एलजी दफ्तर का घेराव कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। संगम विहार में एक 9वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा को अली नाम के एक शख्स ने गोली मार दी थी। अब उसी घटना को लेकर आप विधायक दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए, जिसके चलते आज एलजी के घर के बाहर आप विधायकों ने विरोध जताया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आप विधायकों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ने, देखिए। आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन आज एलजी साहब के पास आया है, उनसे मिलना चाहता है, क्या खास वजह है? हमारे साथ कुछ विधायक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या किस मुद्दे को लेकर आज आप एलजी साहब के पास पहुंचे? देखिए, संवैधानिक रूप में दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था, पुलिस और लैंड, इन तीनों पे दायित्व एलजी साहब का है। तो एलजी साहब का अकाउंटेबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है कि भाई इन तीनों पे जब भी कोई मुसीबत हो तो आपको काम करना पड़ेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आज इन्हीं एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया अखबारों में, 41% क्राइम रेट बढ़ गया है महिलाओं के खिलाफ। तीन विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महिलाओं के ऊपर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। मैं दिल्ली में महिलाओं की मैं प्रतिनिधि हूं और मेरा एलजी साहब से हमारा निवेदन है कि दिल्ली महिलाओं के लिए अनसेफ है। आए दिन यहाँ पर बलात्कार होते जा रहे हैं। 41% रेट महिलाओं पर बलात्कारियों का बढ़ता जा रहा है। अभी जुलाई के महीने में रेलवे विभाग के 4 कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर एक 30 वर्ष की नौजवान महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हम एलजी साहब को आज यहां पर जगाने के लिए आए हैं कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। आप लोग मिलने तो आए हैं लेकिन ना ही एलजी साहब से मिलने का वक्त दिया है और आप लोगों को यह बैरिकेडिंग के एक तरफ। एलजी साहब जरूर हमारी बात को सुन रहे होंगे। मैं राजकुमार ढिल्लो, महिला विधायक, आपको यहाँ पर मैं कहने के लिए आई हूँ पूरे साथियों के साथ कि दिल्ली में कानूनी व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। आप लोग किसी मुद्दे से मिलने आते हैं तो एलजी साहब द्वारा एक बैरिकेडिंग में समेत के बाहर की तरफ रखा जाता है। देखिए, एलजी साहब अगर एक एमएलए से नहीं मिल सकते तो सवाल उठता वो किससे मिलेंगे दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा वार्ड अध्यक्ष भी आ जाता है तो एलजी साहब मिलने को तैयार है। चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार नहीं है।